सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अक्सर अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और शायद कभी कभार बिग बी अपने किसी ट्वीट या कुछ मुद्दों पर चुप्पी साधने के लिए ट्रोल का शिकार भी हो जाते हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का एक ऐसा ही पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने महिलाओं के अंडरगारमेंट्स को लेकर लोगों से सवाल पूछे थे। हालांकि इस ट्वीट को लेकर पहले भी वो आलोचना का शिकार हो चुके थे, पर अब उनका ये पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है। अमिताभ बच्चन के इस पुराने वायरल ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स बिग बी की जमकर आलोचना कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि ये ट्वीट अगर मेरे दादाजी ने किया होता तो मेरा सर शर्म से झुक गया होता। तो वहीं एक दूसरे ने लिखा है कि सलमान खान चाहे जितने नशे में हो लेकिन वो भी ऐसा ट्वीट नहीं करेगा जैसा कि मिस्टर बच्चन ने किया है। इसके अलावा कई यूजर्स ने अमिताभ बच्चन की वाइफ व एक्ट्रेस जया बच्चन के गुस्से वाली इमोजी भी शेयर करके अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर सदी के महानायक ने उस ट्वीट में लिखा क्या था जो फिर से वायरल हो गया है और इसके लिए उन्हें इतना ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल बिग बी का ये ट्वीट 12 जून 2010 का ट्वीट किया हुआ है। अब 13 साल बाद उनके इस ट्वीट को फिर से वायरल कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अंग्रेजी भाषा में ब्रा एक वचन और पैंटी बहुवचन क्यों है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर वायरल हुए इस ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा है कि चलो अच्छा है, आखिरकार कोई तो जरूरी सवाल पूछ रहा है। तो वहीं एक और यूजर ने रिएक्ट करते हुए लिखा है कि इस सवाल को केबीसी के अगले सीजन में रखा जाना चाहिए। वैसे अगर अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो वे प्रभास के साथ कल की 28/98 में नजर आने वाले हैं। पहले इस फिल्म का नाम प्रोजेक्ट के था। आखिर बार बिग बी को ब्रह्मास्त्र में देखा गया था। इसके अलावा सदी के महानायक केबीसी के अगले सीजन 15 को लेकर भी जल्द ही दर्शकों के सामने होंगे। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।